नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वेस्ट आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, मैं उस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती। उसका कारण ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण सब कुछ ऑनलाइन बताना मुश्किल होता है, ख़ास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। जैसे संगीत में अगर मैं चाहूँ कि आपको तानपुरा मिलाना, कैसे तानपुरा मिलाया जाता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तबला हो, सितार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मिलाना सिखाना है तो वो विद्यार्थी मेरे सामने होना चाहिए। मैं पहले मिलाकर उसे दिखाऊंगी, फिर आपको दूंगी, फिर वो विद्यार्थी मिलाएगा, और वो एक दो दिन की बात नहीं होती है, बरसों लगते हैं इसको सीखने में। तो विद्यार्थी जब मिलाएगा, जाहिर से बात है वो ठीक से मिला नहीं पाएगा, तो फिर मैं उससे तानपुरा लूँगी और मिलाऊँगी। और इसके अलावा जब तक शिक्षक की डांट नहीं पड़ती, गुरु की डांट नहीं पड़ती है, तो तब तक वो मज़ा नहीं आता है, विद्यार्थी को भी कुछ कमी लगती है। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सचमुच असर होता है, उसका एक अलग ही मज़ा है, आमने सामने सीखने का, चर्चा करने का एक दूसरे से। और कभी कभी सिखाते सिखाते कोई प्रश्न विद्यार्थी के दिमाग में आता है जो शायद गुरु के दिमाग में भी ना हो, तो फिर हम उसकी साथ मिलके उसकी खोज करते हैं। तो ये सब ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जो आज का समय है, उसको देखते हुए ऑनलाइन क्लास की डिमांड बढ़नी स्वाभाविक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, हमें घर बंदी का सामना करना पड़ रहा है, हमें घर में बंद होना पड़ रहा है, और अब वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, तो हमें अब मजबूरन ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की जाहिर सी बात है बहुत खूबियाँ भी हैं, क्योंकि आमने सामने जब हम बैठते हैं तो हमें जाहिर सी बात है एक जगह चाहिए, तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कुछ अड़चनें आती हैं, आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। तो ऑनलाइन क्लास में हम एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये उसकी खूबी है। और हमें वाकई में लकीर के फ़कीर नहीं बने रहना है। अगर हम लकीर के फ़कीर बने रहते तो स्वरलिपि पद्धति और हमारा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसका हम लाभ नहीं उठा पाते। जैसे हम गुरु ने कुछ सिखाया और फिर आप अपनी याददाश्त पे ही निर्भर करिए, तो स्वरलिपि पद्धति आई तो आप स्वरलिपि पद्धति से हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही रिकॉर्डिंग सिस्टम हम कह देते हैं कि पहले सीख लो अच्छे से, उसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हो, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, लेकिन उस पर डिपेंड ना होइए। हाँ, 24 घंटे तो शिक्षक आपके साथ नहीं रह सकते, तो आप रिकॉर्डिंग से अपनी जो है रिकॉल कर सकते हैं अपनी जो भी आपने सीखा है। तो ऐसे हम ऑनलाइन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी स्थिति चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास बहुत हेल्प कर सकते हैं, थोड़ी सीमाएं तो हैं। आज मैं आपको मेरे पास इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी, मंत्र साधना टेक्निक बताने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ गुरुजनों से सीखा है, कुछ सेमिनार वगैरह में अटेंड किया, तो कुछ वहाँ से भी सीखा है कि कैसे मंत्र साधना कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं बताऊँगी। तो जो मंत्र साधना है उसको करने के लिए जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उसका सबसे अधिक फल मिलता है मंत्र साधना का। और गले पे उस समय सब चारों तरफ शांति रहती है, तो गले पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है मंत्र साधना को करने का। और जो इसके लिए सबसे पहले तो आप सीधे बैठ जाइए पलथी मार के, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होनी चाहिए, और आप जो भी स्केल में गाते हैं, फीमेल का स्केल अलग होता है और मेल का अलग होता है, तो अगर आप स्त्री हैं तो आप 4.5 से गा सकते हैं, 4.5 यानी ए शार्प, बी ऐसे, और अगर आप पुरुष हैं तो सी शार्प,
से पहला काला जिसको कहते हैं आदि से गा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्केल को आप वो कर लीजिए और जो आपका सा है, षडज है, उसको पहले लगाइए और एक एक करके जो है स्वर आप नीचे उतरते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चेतावनी अवश्य देना चाहूँगी कि कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, जो और रेगुलर रहना है, रोज़ आपको बैठना है, चाहे आप आधा घंटा ही बैठिए, लेकिन आपको रेगुलर रहना है। लेकिन ये काम आप कभी मत करिएगा कि मैंने आज तो 2 घंटे गा लिया, अब मैं 4 दिन क्लास गाऊंगा ही नहीं या गाऊंगी नहीं, और 5वें दिन फिर बैठ गए फिर 2 घंटा गा लिया। इससे फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपकी, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ हमेशा के लिए जा भी सकती है। तो बहुत ही ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं बहुत नाजुक चीज़ हैं, उस पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। धीरे 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 आप बढ़ा सकते हैं, आप 2-3 घंटे भी कर सकते हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब मैं और गा सकता हूँ या गा सकती हूँ कि नहीं। लेकिन रेगुलर हमेशा रोज़ बैठना है, कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, कुछ भी आप कर रहे हो, या मंत्र साधना या कोई भी राग गा रहे हो या अलंकार कर रहे हो, तो उसे आप रोज़ करिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है आप षडज, और आपके पास मोबाइल होगा या घड़ी होगी तो स्टॉप वॉच से आप देख सकते हैं कि आप कितने सेकंड गा रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, तो धीरे धीरे देखिए। आप पहले देखेंगे कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक पा रहे हैं, फिर देखेंगे 15 सेकंड, फिर आप करते करते आप देखेंगे कि आप 50 सेकंड तक भी रुक पा रहे हैं एक एक स्वर पे। तो सबसे पहले आप सा लीजिए, मान लिया कि पंचम तक, पंचम से नीचे आपकी आवाज नहीं जा रही है। और दूसरी बात, अक्सर हम क्या करते हैं, सांस जो है छाती पे भरते हैं, वो गलत है। आप स्ट्रेट बैठिए, इस समय आपका जैसे जो शरीर है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आपने बहुत कम इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो जैसे तुरही है, सैक्सोफोन आदि हैं जो ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट सीधे होते हैं, चाहे हारमोनियम, सितार, तानपुरा, कुछ भी ले लीजिए, सीधे होते हैं। तो हमारा भी शरीर जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, और ये आपका पूरी जो पेट से लेके ये मुंह तक जो है पूरा जो है वो एकदम खुला होना चाहिए। तो पेट पे आप हवा जो भी भरना, जो आपकी श्वसन है, सांस जो है वो आपको पेट में भरना है। और जैसे बलून होता है, बलून में क्या होता है, पहले हवा भर लेते हैं, वे धीरे 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 छोड़ते हैं, वैसे ही। तो जितनी देर तक आप स्टिफ रख सकते हैं अपने पेट को रखिए, और जब आपको लगे कि अब सांस कम हो रही है तो धीरे 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 पेट अंदर जाएगा, और देखेंगे कि आप और ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पा रहे हैं एक एक स्वर पे। तो पहले आपने सा लिया और आप पंचम तक गए। अब इसको आकार में लीजिए, आकार में हो गया। अब ईकार में, यानी जितने भी वॉवल्स हैं, आकार, ईकार, उकार, एकार, ओमकार लास्ट में, ठीक है। तो ये पांचों आपको एक 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 स्वर पे ये क्रिया करनी है। अभी आप पंचम पे हैं, ईकार, ओ।
मैं और देर रुक सकती हूँ लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रुक रही। लास्ट में ओमकार। ओमकार से क्या होगा? ओमकार यानी थोड़ी देर ओ पे करिए और थोड़ी देर पूरा जो है मुंह बंद कर लीजिए। जबड़ा पूरा बंद रहेगा, दांत वांत पूरे बंद रहेंगे, उससे आपका जो है ये पूरा जो सिस्टम है, आपके जितने भी नसें हैं वो आपकी खुल जाएंगी। और ओमकार तो वैसे भी मानी हुई चीज़ है, उसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है कि ओमकार के कितने फायदे हैं। तो आप ओमकार करिए लास्ट में, ओ ऐसे। यही क्रिया अब धैवत पे करना है, पंचम पे किया, ये जो कुछ भी आपने पंचम पे किया, इसके बाद एक स्वर ऊपर चढ़े धैवत पे। धैवत पे भी वही सारी क्रिया करनी है, आकार इकार एकार उकार ओंकार, और फिर धैवत के बाद निषाद पे जाइए, फिर षड्ज पे जाइए, उस पे भी सारे स्वरों पे वही सारी सेम प्रक्रिया आपको करनी है। एक हफ्ते तक आप इसको करिए, उसके बाद आप देखिए कि पंचम से नीचे आपका स्वर जा रहा है कि नहीं। पंचम से नीचे मध्यम पे जाएगा, फिर गंधार पे जाएगा, फिर ऋषभ पे भी जाएगा, और आप यकीन मानिए षड्ज पे भी जाएगा, यानी मंद्र, और उससे भी नीचे जा सकता है। तो ये जो आप मंद्र साधना करेंगे उसके फायदे बहुत हैं। अगर आप टीनेजर हैं और आप गाते वक्त आपकी आपका गला क्रैक होता है, जो कि मैं इसकी भुक्त भोगी हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा क्रैक करता था, तो उस वक्त मैंने मंत्र साधना शुरू किया और मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला है। तो मंत्र साधना से आप अगर टीनेजर हैं, आप नहीं गा पा रहे हैं, तो बस आप मंत्र साधना करिए, उससे आपके गले में लचीलापन आएगा, गला जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्रैक जो है धीरे धीरे क्रैक वाली समस्या आपकी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, मेडिटेशन अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं गाते हैं, नहीं गाना चाहते हैं, तब भी मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। सुबह भोर में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ओमकार आप करेंगे तो जाहिर सी बात है मन बहुत शांत होता है, और मंत्र के स्वरों में आप जितना मंत्र में जाएंगे उतना ही आपके ऊपर आवाज़ खुलेगी, तो मतलब त्रिस्थान व्याप्ति आपकी आवाज़ में जो है आने लगेगी। आप खुद ही देखेंगे कि तीन स्थानों में आपका जो गला है वो बिल्कुल लचीला हो जाएगा। ये कुछ एक फ़ायदे हैं। और श्वसन क्रिया में देख रहे हैं आप, ये प्राणायाम के जैसा है, प्राणायाम ही है एक तरह का, तो श्वसन क्रिया में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे अवश्य करिए। और जो भी विद्वत जन अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को और आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो मुझे अवश्य बताएं, त्रुटियों को क्षमा तो करें ही, साथ साथ बताएं भी, क्योंकि लाभ भले न हो हानि किसी की नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, और अगले बार मैं इसको सुधार कर सकती हूँ। और जो भी अगर आप लोग इससे लाभान्वित हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हों, जिज्ञासाएँ हों, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं यथासंभव उसको आपके समस्या का समाधान, आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगी। और आप लोग बिल्कुल भी तनाव में मत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद।